दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दालों पर, विशेषकर चना, मूंग और मसूर के ऊपर। याद कीजिए, चने पर सबसे पहले तेजी का अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल, लगभग 5 से 5.5 महीने पहले हमने चने में आपको तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था। साथ साथ काबुली चने यानी डॉलर चने के ऊपर भी तेजी का हमारा अग्रिम अनुमान सही साबित हुआ। तुअर, मूंग और उड़द पे हमारे जो अपडेट थे वो सही साबित हुए हैं। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी से फ़ायदा कभी होता नहीं है। फ़ायदा तभी होगा तब आप सही समय पर माल खरीदेंगे और सही समय पर माल बेचेंगे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों कृपया ध्यान दें, भारत सरकार ई नीलामी के जरिए भारत आटा, दाल और चावल, यानी इसमें चने की दाल भी शामिल है, ई ऑक्शन के जरिए प्रोसेसर्स और विपणन यानी मार्केटिंग के लिए ई नीलामी के जरिए बोलियां मंगा रही है। हमारा एक पूरा एपिसोड इसके ऊपर अपलोड है, उसको भी देखना ना भूलें। साथ साथ सोना चांदी, कच्चा तेल और स्टील के ऊपर भी हमारे अपडेट लगातार उपलब्ध हैं, उनको भी देखना ना भूलें। खबर निकल के आ रही है कि चने के दाम दिल्ली में मिलों की खरीद के कारण तेज हो गए हैं। दाल मिलों की मांग सीमित होने के कारण शुक्रवार को दिल्ली में, दाल मिलों की खरीदारी अच्छी देखने के कारण शुक्रवार को दूसरे दिन दिल्ली में सुबह के सत्र में चने की कीमतों में 50 रुपये का उछाल देखा गया। चने की दैनिक आवक भी बढ़ने के समाचार हैं। गौरतलब है कि लॉरेंस रोड पर राजस्थान के चने के दाम 50 रुपये तेज होकर 7475 से 7500 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। इसी दौरान मध्य प्रदेश के चने के दाम भी 50 रुपये की तेजी दिखाकर 7375 से 7400 रुपये प्रति क्विंटल दिल्ली लॉरेंस रोड पर बताए जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि खपत का सीजन, त्योहारी सीजन और आगामी नवंबर महीने में शादियों सीजन के कारण चना में दाल मिलों की मांग बढ़ी रहने की उम्मीद है, क्योंकि त्योहारी सीजन के कारण बेसन की खपत यानी कंजम्पशन बनी रह सकती है। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया और कनाडा से नया चना अगले महीने आने की संभावना है। गौरतलब ये भी है कि केंद्र सरकार ने चने के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए चने के एमएसपी में 210 रुपये बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि पिछले रबी सीजन के दौरान इसकी एमएसपी मात्र 5440 रुपये थी, जो इस बार बढ़कर 210 रुपये बढ़कर 5650 रुपये हो गई है। दूसरी ओर राजस्थान लाइन की बात करें मूंग की दिल्ली में, तो दाल मिलों की मांग सीमित रहने के कारण शुक्रवार को दिल्ली के सुबह के सत्र में राजस्थान मूंग की लाइन के भाव स्टेबल या स्थिर हो गए हैं। इसकी दैनिक आवक कम बताई जा रही है। कर्नाटक के व राजस्थान में मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी पर खरीदारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने मूंग का एमएसपी 8682 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। दिल्ली में राजस्थान लाइन की मूंग के भाव 6800 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी अनुसार बताया जा रहा है। अब धीरे धीरे मंडियों में खरीफ सीजन की नई मूंग की आवक बढ़ रही है और चालू खरीफ सीजन की बुआई में बढ़ोतरी से उत्पादन का अनुमान ऊंचा बताया जा रहा है। दिल्ली में मूंग की दैनिक आवक लगभग 40 से 42 गाड़ियों की है और पिछले कार्य दिवस में 50 से 52 गाड़ियों की आवक हुई थी, जो इस बार आज 40 से 42 मोटर के अंदर यानी कुछ 10 गाड़ियां कम हैं। दूसरी ओर दिल्ली में मसूर के भाव भी स्थिर बताए जा रहे हैं। मांग सीमित होने के कारण शुक्रवार को दिल्ली के सत्र में देसी मसूर के भाव स्थिर हैं। यदि हम एमएसपी बढ़ाने की बात करें तो मार्केटिंग ईयर 2025-26 के लिए मसूर का एमएसपी 275 रुपये बढ़कर 6700 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है, जबकि पिछले रबी सीजन के दौरान इसका एमएसपी 6425 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 275 रुपये बढ़कर 6700 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। लॉरेंस रोड पर देसी मसूर के भाव 6800 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। साथ साथ मंडियों में दैनिक आवक सीमित मात्रा में हो रही है, जबकि इंपोर्टर व स्टॉकिस्ट नीचे दाम पर बिकवाली नहीं कर रहे हैं।
इसलिए इसके भावों में कोई बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आती है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रबी सीजन में उत्पादन का अनुमान ज़्यादा है, इसलिए उत्पादक राज्यों में इसका बकाया स्टॉक अभी भी काफ़ी अच्छा है। कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेड मसूर की कीमतों में भी पिछले दिनों तेज़ी दर्ज हुई थी। दोस्तों, उम्मीद है कि सभी जानकारियां आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रही होंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर जो मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, अनाज, इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकती है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।